Play Subah's Mystery Radio Show. History's puzzles start to flow. Talash, Talash, find the clue. Ancient riddles just for you. Every week, a story new. May Subah's Mystery Rendezvous. Host with riddles taking you through the past with hints and clues. Every fact, a hidden gem. Unlock the secrets once again. Talash, Talash, find the clue. Ancient riddles just for you. Every week, a story new. May Subah's Mystery Rendezvous. Questions of the past unfold. Tales that history has told. Wednesdays mark your calendar. Join the journey near and far. Talash, Talash, find the clue. Ancient riddles just for you. Every week, a story new. May Subah's Mystery Rendezvous. अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आपकी जानी पहचानी आवाज, आपके दोस्त, आपके होस्ट प्यारे से आरजे आरजे मोहम्मद तलहा आपके साथ एक बार फिर मौजूद हैं। एक लंबे वक्त के बाद आपसे बात हो रही है और आप भी सुन के हैरान होंगे कि ये क्या आरजे तलहा ये किस अंदाज में हमारे साथ जो है वो मौजूद हैं। तो लिसनर्स, हम एक बार फिर आ चुके हैं, आपकी खिदमत में हाजिर हो चुके हैं और एक बार फिर हमारे पास आपके लिए एक बेहतरीन सा शो, एक बेहतरीन सी महफिल जिसको आप सुनेंगे और बहुत ही महसूस होंगे। इस बार मैं सिर्फ अकेला नहीं हूं, लेकिन हम अपने आरजे को बुलाते हैं। इससे पहले मैं आपसे कुछ चीजें रिवायती तौर पर पूछना चाहूंगा कि आपके शहर का मौसम कैसा है, आपके दिल का मौसम कैसा है, कैसा गुजरा आपका ये वक्त हमारे बगैर। नई सुबह वेब रेडियो सुन रहे थे, क्या कर रहे थे, किस तरह गुजरी आपकी जिंदगी। और मेरे साथ मौजूद हैं मेरे एक को आरजे, बेहतरीन सी खूबसूरत सी प्यारी सी आवाज, और वो आप सुनेंगे, हम उनसे बात भी करेंगे, आपकी बात भी करवाएंगे। उससे पहले हम बताते चलें कि किस तरीके से आप हमारे शो में शामिल हो सकते हैं। हमारे शो में शामिल होने का वही पुराना सा आसान सा तरीका जिसके जरिए आप हमारे साथ शामिल हो सकते हैं, अपने बारे में बता सकते हैं एक नए अंदाज के साथ। आरजे मोहम्मद तलहा और मेरे को आरजे, जिनका नाम अभी मैं आपको बताता हूँ, बड़ा ही प्यारा खूबसूरत सा नाम, और इनके नाम के साथ साथ ये खुद भी बड़ी दिलचस्प पर्सनैलिटी हैं। आप खुद इनको सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे, और इनका नाम बड़ा खूबसूरत है। मैं सच बताऊं, मुझे इनका नाम बहुत अच्छा लगा। पहले ऐसा करते हैं, हम अपने आरजे को वेलकम करते हैं और उसके बाद फिर मजीद आपसे बातें करते हैं। अस्सलामु अलैकुम आरजे आकाश, कैसे हैं आप। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू तलहा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और उम्मीद है कि हमारे जो ऑडियंस हैं वो भी जो है वो बिल्कुल ठीक होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। तो मेरी तरफ से आप तमाम को भी अस्सलाम वालेकुम एंड हाउ आर यू। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल ठीक हैं। आरजे आकाश, आपका नाम माशाल्लाह से इतना खूबसूरत है, नाम किसने रखा और अपने नाम पे आपको क्या रश्क आता है, कैसा लगता है अपना नाम ये आकाश। मेरा नाम मेरे फादर ने रखा, और ये बहुत ज़्यादा मतलब इनको ये नाम जो पसंद था, इन्होंने ये पहले सोचा हुआ था कि जो अगर मुझे बेटा होगा तो मैं उसका नाम जो वो आकाश रखूँगा, और माय फुल नेम इज़ आकाश मुनीर। बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि मतलब इसकी मीनिंग क्या है या जो है वो इसका क्या मतलब है, तो ये नेम जो है वो इसकी जो मीनिंग है वो आकाश यानी आसमान एंड मुनीर यानी रोशन, रोशनी देने वाला, तो आप कह सकते हैं कि द लाइटनिंग स्काई, जिसको आप कह सकते हैं कि इसकी मीनिंग।
जबरदस्त जबरदस्त आरजे आकाश, आकाश की बुलंदियों से भी आप जो है वो उसको पहचान सकते हैं, वसी और बुलंद। और इसी के साथ साथ अगर हम आपको बताएं कि हमारे आरजे का नाम आरजे आकाश है, और आकाश हमारे शो का क्या नाम है? हमारे शो का नाम है तलाश अनसॉल्व मिस्ट्रीज। आकाश और तलाश, ये दोनों चीजें ना बड़ी मिलती जुलती मैच कर रही हैं आपस में, बिल्कुल बहुत ही मैचिंग वाला काम हमारे साथ मतलब एक तरीके से हो रहा है। और उम्मीद है कि इस शो के साथ जो हमारा काम है वो भी मैच होगा, जिस तरीके से आकाश और फिर तलाश, तलाश जो एक मतलब इंटरेस्टिंग नाम और ऐसे मतलब एक इंटरेस्ट पैदा करने वाली चीज, उम्मीद है मुझे कि हमारा जो काम है वो भी इसी तरीके का इंटरेस्टिंग होगा। बेशक बेशक, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। इसके लिए हम चाहेंगे कि हमारे लिसनर्स हमें बताएं कि हमारा ये शो, हमारे शो का नाम है तलाश, और आपके साथ मौजूद हैं आरजे आकाश और मैं हूं आरजे मोहम्मद तलहा। अच्छा, किस तरीके से हमारे शो में शामिल हो सकते हैं? हमारा जो नंबर है जिस पर आप अपने वॉइस मैसेज कर सकते हैं, आप बता सकते हैं कि दुनिया के किस कोने से आप हमें सुन रहे हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0330860072। ये वो नंबर है जो यकीनन आपके मोबाइल्स में पहले से सेव होगा, और आप हमें मैसेज कर सकते हैं, अपना प्यारा सा नाम लिखेंगे, अपने शहर का नाम लिखेंगे कि दुनिया के किस कोने से आप हमें सुन रहे हैं, और अपना पैगाम आप हमें सेंड कर देंगे रिकॉर्ड करके लिख के इस नंबर पर। इसके अलावा आप हमें फेसबुक पर जाकर जो है वो सर्च कर सकते हैं, नई सुबह इंस्टीट्यूट के नाम से हमारा फेसबुक पेज है, वहां जाएं, नई सुबह की वेबसाइट देखें, नई सुबह का पेज देखें, और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारा शो कैसा लग रहा है, आपको नई सुबह वेब रेडियो कैसा लगता है। तो आकाश, मेरे ख्याल से बातें बहुत सारी हो गई, हम चलते हैं सबसे पहले ट्रैक की जानिब, और आप क्या सुनाना चाहेंगे अपने लिसनर्स को? आज का पहला जो ट्रैक है वो आपकी पसंद का हम प्ले करते हैं। आज पहला शो है आपके साथ, आपको थोड़ा सा मेहमान जैसा फील हो रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, अब हम ट्रैक के बाद वापस आएंगे तो यकीनन आप जो कंफ्यूज हो रहे थे वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, और हमारे लिसनर्स के साथ हम मिलकर बहुत ही इंटरेस्टिंग सा शो करने वाले हैं। हम ट्रैक के बाद वापस आते हैं और फिर उसके बाद अपने शो का जो है वो फॉर्मेट अपने लिसनर्स के साथ शेयर करेंगे। अगर इस वक्त पर जिस तरह से आप सुन रहे हैं आज लिसनर्स, तो मौसम भी बहुत प्यारा हो रहा है, खासतौर पर यहाँ का कराची का तो मौसम बहुत ही प्यारा हो रहा है। तो उस हवाले से मैं ये चाहता हूँ कि कोई मौसम के हवाले से कोई सॉन्ग हो, तो चलें आप बारिश सॉन्ग एंजॉय कीजिए। लिसनर्स, तो हम आ चुके हैं ब्रेक से वापस, उम्मीद है कि आपको ये ट्रैक पसंद आया होगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा है क्योंकि ये ट्रैक मेरा पसंदीदा ट्रैक है, और ख़ास तौर पर ऐसे वक्त में कि जब मौसम बहुत अच्छा हो रहा हो, तो इस तरीके के ट्रैक्स जो है वो बाज़ औक़ात बहुत मज़ा देते हैं। तो आप लोगों को ये ट्रैक कैसा लगा इस हवाले से जो वो हमें मैसेज कीजिए, अपनी राय से आगाह कीजिए। अब हम आपको बताते हैं अपने शो के फॉर्मेट के बारे में। सोतला भाई, बताइए लिसनर्स को कि हम किस हवाले से बात करने वाले हैं। जी बिल्कुल आकाश, हम अपने शो का फॉर्मेट अपने लिसनर्स के साथ शेयर करते हैं। आज हमारा पहला दिन है और पहला शो है अपने लिसनर्स के साथ। आप सुन रहे हैं शो तलाश, और हमारे साथ मौजूद हैं आरजे आकाश। तो फॉर्मेट में आपको बताता चलूं, आज थोड़ा सा फास्ट हमारा शो जा रहा है, लेकिन हमारे शो का फॉर्मेट जो है वो बड़ा ही खतरनाक है। आरजे आकाश और आरजे तलहा, आप समझे कि ये इंस्पेक्टर आकाश और इंस्पेक्टर तलहा हैं, और हम एक स्टोरी अपने लिसनर्स के साथ शेयर करेंगे, और उस स्टोरी के ऊपर जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे होंगे, और हम ये देख रहे होंगे कि आखिर इस कहानी का एंड क्या है। दुनिया में बहुत से ऐसे वाकयात, बहुत सी ऐसी कहानियां हैं जिनका इख्तिताम नहीं मिलता, तो हम इसी तरह की कुछ स्टोरीज अपने लिसनर्स के साथ शेयर कर रहे होंगे, और हम चाहेंगे कि हमारे लिसनर्स अपना फीडबैक दें कि आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी, और आप भी अगर कोई ऐसी स्टोरी या कोई ऐसी मिस्ट्री, कोई ऐसी हिस्ट्री आप सुनना चाहते हैं, कोई आप जानना चाहते हैं कोई ऐसा वाकया जिसका इख्तिताम नहीं हो सका, तो वो हमारे साथ आप शेयर कर सकते हैं। हमारे दो सेगमेंट होंगे, जिसमें एक सेगमेंट हम अपने स्टोरी, हम अपनी मिस्टीरियस स्टोरी, जिस केस को हम डिस्कस कर रहे होंगे उसके बारे में बात करेंगे, और सेकंड जो हमारा सेगमेंट होगा उसमें आरजे आकाश हमारे साथ एक पहेली पूछ रहे होंगे। यकीनन आरजे आकाश, इंस्पेक्टर आकाश का जो है वो काम पूरा कर रहे होंगे, तो वो एक ऐसा सवाल हमारे सामने रखेंगे जिसका जवाब हम सबको मिलकर ढूंढना होगा।
ओ तो गाइस उम्मीद है कि बहुत मज़ा आने वाला है, और जिस तरीके से तलाब भाई कह रहे हैं तो मुझे उम्मीद है कि ये आपके लिए भी बहुत दिलचस्पी रखने वाली चीज़ होगी। और जैसे कि क्राइम स्टोरीज़ की हम बात करेंगे, या जिस तरीके से हम दीगर हॉरर स्टोरीज़ की जब हम बात करते हैं तो हमारे दिल में ऑटोमेटिकली एक धड़कन सी पैदा होती है, तो उम्मीद है कि आपको भी इसी तरह से फीलिंग आएगी। तो लेट्स गो टू द स्टोरी। आज जिस केस को हम डिस्कस करने जा रहे हैं आकाश, वो जी एक जी सीरियल किलर का केस है, और ऐसा ओके किलर जो आज तक पकड़ा नहीं गया। अच्छा, ओहो, क्यों पकड़ा नहीं गया ये आप कहें कि बरतानवी पुलिस की आप इसको नाकामी कह सकते हैं, और कुछ क्रिमिनल इतने शातिर होते हैं। जो पुलिस के हाथ जी कभी हाँ, नहीं आते। बिल्कुल 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 इसी ऐसे तरीके की बिल्कुल स्टोरीज हम अपने लिसनर के साथ शेयर करने जा रहे हैं। ये 80s की बात है। एक कत्ल होता है, और सही ड्यूटी पे जो पुलिस वाले होते हैं वो रात को जो है वो ड्यूटी पे घूमते हैं और देखते हैं कि शहर के अंदर अमन अमान की सूरत हाल कैसी है। रूटीन चेकअप लाइक बिल्कुल रूटीन चेकअप। अच्छा, अब एक पुलिस वाला घूम रहा होता है और अंधेरा गहरा होता जा रहा है, मगरिब के बाद का वक्त है। उसको दूर से जमीन पे पड़ी हुई कोई चीज दिखती है और वो उसके पास पहुंचता है, तो उसे पता चलता है कि ये कोई इंसान है। और अच्छा उसके पास उस वक्त लालटेन का दौर था जी और जी कुछ टेक्नोलॉजी बिल्कुल की लाइटें भी एटीज का पड़ी हुई दौर थी। तो जी बिल्कुल 80s का दौर था। जी हाँ अब वो देखता है कि ये कोई इंसान है, और वो उसको जब पलट के देखता है तो एक लड़की होती है। लेकिन वो देखता है ओ कि अंधेरे की वजह से ज्यादा कुछ साफ पता नहीं चल रहा होता, लेकिन थोड़े बहुत रोशनी जो उसको नजर आ रही होती है उससे उसको पता चलता है कि इस लड़की के जिस्म से खून निकल रहा ओहो है। अच्छा, इतने में एक दूसरा पुलिस ऑफिसर, जो ड्यूटीज लगी होती हैं कि आपने चहलकदमी करनी है, आपने पूरे शहर का राउंड लगाना है, या इस एरिया का जी राउंड लगाना है आपने, दूसरा सही, पुलिस ऑफिसर यानी वहां उसका एक पहुंचता मतलब है। साथी बिल्कुल एक तरीके से पुलिस में, मतलब उसका एक पुलिस ऐसे ही, मैन साथी जो चेकअप पे निकला हुआ था उसके साथ। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, दोनों मुशाविरत से ये डिसाइड करते हैं कि एक पुलिस वाला वहीं रुकेगा उस जख्मी लड़की के पास, और दूसरा जाकर लाइट का इंतजाम करेगा। जी लेकिन जी उस टाइम पे लालटेन का दौर था। दूसरा पुलिस वाला जाता है और लालटेन लेकर आता है, तो लालटेन लेकर आने के बाद पता चलता है कि वो जिसको देख रहे होते हैं उनको पता है कि एक लड़की की लाश है, और उस लाश को वो उठाते हैं, पुलिस ओहो स्टेशन लेकर जाते हैं। पता चलता है कि वो लड़की मर चुकी है बहुत सारे जख्मों की वजह से। अच्छा, आप इन्वेस्टिगेशन होती ओके है उस लड़की की कत्ल की, जो आप कहें FIR, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो है वो तैयार होती है। पता चलता है कि उस लड़की कत्ल हुआ है गला काटने की वजह से। लेकिन ओ लेकिन जब और मजीद जो है वो इन्वेस्टिगेट किया जाता है इस केस को, तो पता चलता है कि उस लड़की के सिर्फ गला काटने की वजह से कत्ल हुआ है, लेकिन उसके जिस्म पर और भी बहुत सारे जख्म है। मतलब जो कातिल था उसने जी हाँ, अच्छी तरह जो है और वो विक्टम को जख्मी भी किया ताकि इसके वो बच ना पाए। अच्छा, अब इस केस को गुजरे हुए 9 दिन होते हैं कि पुलिस को एक और केस की जो है वो रिपोर्ट मिलती है। साथ। अच्छा, अब ये दूसरा केस होता है कत्ल का, जिसके कातिल के बारे में पता नहीं चलता। उनके जो अहलो अयाल हैं, घर वाले हैं, वो रिपोर्ट करते हैं कि हमारा फैमिली मेंबर गायब है। जी और जी लाइक जिस तरह से होता है, गायब हो जाते हैं लोग और फिर जो रिपोर्ट्स कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, अब पुलिस इस चीज पर परेशान है कि कोई सबूत नहीं मिला कि कातिल कौन है या किस वजह से जो है वो कत्ल किया गया। लेकिन पुलिस जो है वो अखबार में इस कत्ल की जो है वो रिपोर्ट जो है शाया करती है कि एक कत्ल हुआ है, और इतनी बेदर्दी से कत्ल किया गया है कि उस लड़की का गला काटने की वजह से तो उसकी जान गई है। अच्छा, जब पुलिस अखबार में इस कत्ल की खबर देती है कि इस तरह कत्ल हुआ है, और उसके 9 दिन बाद एक और कत्ल हुआ है, और उस कत्ल का भी यही सिचुएशन होती है, लाश की यही हालत होती है कि उसकी गर्दन तो काट के कत्ल किया गया होता है लेकिन उसके सही जिस्म के और भी अज़ा काटे गए होते हैं। अच्छा, ओ एक और तशवीश की बात यह होती है कि दोनों कत्ल के अंदर लड़की शामिल होती है, मतलब जिसका कत्ल हुआ होता है वो लड़की होती है, और लड़की का पेट चाक करके उसके जिस्म के जो अंदरूनी अज़ा होते हैं, मतलब अगर आप देखें किडनी, जी जी आंतें, लिवर इस तरह वगैरह से भी, दिल जी बिल्कुल, इस तरह की चीजें मिसिंग होती हैं। ये बहुत ज्यादा ओ हैरत की बात होती है और बहुत ज्यादा खौफ की अलामत भी होती है।
जब जाहिर है ऐसा कोई वाकया अगर होगा तो खौफ की अलामत तो होगा डेफिनेटली। बिल्कुल, और इसी वजह से पुलिस इस केस को ज्यादा गौर फिक्र भी कर रही होती है और देखना चाह रही होती है कि आखिर कातिल है कौन, लेकिन आसपास कोई शवाहिद नहीं मिल रहे होते। लेकिन शहर के अंदर खौफ और हैरास फैल चुका होता है, रात के वक्त कोई भी अपने घरों से बाहर नहीं जा रहा होता और बहुत ज्यादा खौफ जो है वो माहौल में पैदा हो चुका होता है। अच्छा, अगले दिन क्या होता है? हाँ जी, अगले दिन क्या होता है कि पुलिस के पास बहुत सारे जो है वो खत आना शुरू होते हैं और वजह क्या होती है कि बहुत सारे लोग ये क्लेम करते हैं कि हम इसके कातिल हैं। होता है ना, शौक होता है क्रिमिनल आपको पेश करने के लिए कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे जी। अच्छा, बहुत सारे खतों के अंदर एक चीज सेम होती है, सब बोल रहे होते हैं भाई हमने इस लड़के का कत्ल किया, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अखबार के जरिए आम आवाम को पता चल गई होती है ना कि भाई लड़की का कत्ल हो रहा है और गला काटने की वजह से जो है इस लड़की की मौत हुई है। इस केस के अंदर और भी बताया गया होता है कि इनका पेट चाक करके इनके जिस्म के जो अंदरूनी अज़ा हैं वो मिसिंग हैं, तो लोग मुख्तलिफ अपनी अपनी बातें जो बना रहे होते हैं। अच्छा, कुछ खत ऐसे होते हैं जिनको पुलिस देख के खुद भी परेशान होती है कि मतलब किस तरह के लोग हैं, खून से लिखे हुए खत होते हैं। अच्छा, अब क्रिमिनल जो होते हैं, ये बात मैं आपको बताता चलूँ कि जो क्राइम करने वाले लोग होते हैं उनमें से इंसानियत खत्म हो चुकी होती है, और खासतौर पर जो कत्ल करने वाले होते हैं ना, एक इंसान का कत्ल आप जानते हैं कि पूरी इंसानियत का कत्ल है। और अगर मैं कहूँ कि इंसान की अपनी रूह मर जाती है जब वो किसी एक का कत्ल करता है, मतलब सेंसेस जो होते हैं उसके रहम आने वाली चीज होती है वो खत्म हो चुकी होती है, बिल्कुल इसी तरह का एलिमेंट होता है। अच्छा, पुलिस ढूंढ रही है अभी तक कि वो कौन कातिल था उसका, लेकिन तीसरे चौथे कत्ल के बाद एक और खत आता है और उस कातिल का नाम पुलिस को सिर्फ पता चलता है। ठीक है, अच्छा, पुलिस को पता कैसे चलता है कि जो चौथा कत्ल होने वाली जो लड़की होती है उसके जो किडनी गायब होती है कत्ल के टाइम पे, तो पुलिस को जो खतूत मिल रहे होते हैं और इतनी कोई भयानक चीज होती है ये कि उसका आधा जो किडनी होती है वो खत के अंदर साथ में पैक करके भेजी होती है कि डीएनए टेस्ट कर ले ये उसी लड़की के जिस्म के आजा है। ये एक ऐसा केस है जो अभी तक अनसॉल्व है। इस तरह के केसेस हम सबके मुआशरे में होते हैं और मतलब इस तरह कुछ क्रिमिनल्स हैं जो अपनी पहचान बनाने के लिए इस तरह के खौफनाक और भयानक जो है वो क्राइम करते हैं। जी हाँ, अच्छा, दरिंदा कहा जा सकता है एक तरीके से, सॉरी टू इंटरप्ट यू, इनको मतलब एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि ये जो है वो इंसान तो इनको नहीं कहा जाएगा, मतलब इस तरीके की हरकतें करते हैं, इस तरीके के कत्ल करते हैं और लोगों में खौफ हिरास फैलाने के लिए सिर्फ, तो बस इनमें पहली पहली ये इंसानियत खत्म हो जाती है तो उसके बाद ये लोग जो इस तरीके की हरकतें करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, मैं साथ साथ ये बताता चलूँ कि ये स्टोरीज आप लोगों के साथ शेयर करने का हरगिज़ ये मकसद नहीं है कि आप लोगों में खौफ और हिरास पैदा किया जाए। इन स्टोरीज को आप लोगों के साथ शेयर करने का मकसद ये है कि हमारे माशरे में एक साइड ऐसी भी है जो चीज़ें इंसानों के बस के बाहर की हैं। यकीनन हम इंसानों के अंदर से ही ये क्रिमिनल्स निकलते हैं, और इन चीज़ों को डिस्कस करने का मतलब ये है कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो इन चीज़ों को जो है वो कैच करने में जो है आसानी पैदा करते हैं। यकीनन अगर हम यूनिवर्सिटी लेवल के स्टूडेंट्स हैं तो हमें पता होगा कि एक हमारा डिपार्टमेंट होता है क्रिमिनोलॉजी, उसमें बताया जाता है कि क्या क्या चीज़ें हमारे कानून के अंदर जो है वो एक जुर्म के तौर पर जो है वो पाई जाती हैं। दफ़ा 302 ये बहुत मशहूर दफ़ा है और ये कत्ल के 22 जो है ये दफ़ा लगाई जाती है और इस दफ़ा के अंदर सजाए मौत जो है वो मुजरिम का हल होता है। अच्छा, अब इसके कत्ल के अंदर एक कत्ल अगर इंसान करता है, दो करता है, तीन करता है, इंसान जितना शफाक होता जाता है उतना ज्यादा सख्त उसका अंजाम होता जाता है। ठीक है, तो आप लोगों के साथ शेयर करने का, अपने लिसनर्स के साथ ये शेयर करने का मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि हम इसके अंदर खौफ और हिरास पैदा करना चाह रहे हैं। हम आप लोगों को बताना चाह रहे हैं कि दुनिया के अंदर एक साइड ऐसी भी है, माशरे के अंदर ये सब चीजें भी हो रही होती हैं। अच्छा, इस केस के अंदर मैं आगे मजीद जो अपडेट्स बताना चाहूंगा, ये बताना चाहूँ कि दो लोग ऐसे थे जिनके ऊपर पुलिस शक करती है, इन्वेस्टिगेशन होती है, तकरीबन 900 से ज्यादा लोग उस शहर के अंदर मौजूद होते हैं, उस इलाके में होते हैं, जिनमें से 80 लोगों को पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस स्टेशन बुलाती है। उसमें से भी दो लोग ऐसे होते हैं जिन पर बहुत ज्यादा जो है वो शक किया जा रहा होता है कि ये दो लोग हैं, जिनमें से एक जो है वो एक अमीर आदमी का बेटा होता है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये
लड़कियों को टारगेट करता। हाँ जी, लड़कियों को टारगेट करता। अच्छा, अब उसकी वजह क्या होती है कि लोग अपनी अलग पहचान बनाने के लिए कुछ ना कुछ अलग करते हैं। आप देखें मोस्टली के अंदर आप लोगों ने बहुत सारी मूवीज भी देखी होंगी कि लोग अपनी अलग पहचान बनाने के लिए कुछ अलग किस्म की ड्रेसिंग करते हैं, कुछ अलग किस्म का मास्क बना के पहनते हैं। तो इस तरह की चीजें लोग अपनी अलग पहचान बनाने के लिए करते हैं। अच्छा, अलग पहचान बनाना कोई जुर्म नहीं है। हम भी अपनी अलग पहचान बताते हैं, हम अपनी आवाज के जरिए अपनी पहचान बनाते हैं, हम अपनी ड्रेसिंग के जरिए अपनी पहचान बनाते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से इनमें से एक शख्स ऐसा है जिसके बारे में शक किया जाता है, जो एक अमीर आदमी का जो है बेटा है और वो पॉलिटिशियन होते हैं, उनका बेटा होता है, लेकिन उस पर शक क्यों होता है? क्योंकि वो शेफ होता है और उसका काम होता है कि वो खाने बनाता है। अच्छा, अब वो अपनी पहचान बनाने के लिए क्या करता है कि वो एप्रन पहन के घूमता है। एनी टाइम जब कहीं बाहर जा रहा है तो वो लेदर का एप्रन पहन के घूमता है और उस एप्रन के अंदर 3 चाकू लटक रहे होते हैं और एक बड़ा कटर जो है वो उसमें लगा हुआ होता है। ये उसका कॉस्ट्यूम होता है और इसी कपड़ों के अंदर वो बाहर घूमता है, इसीलिए रात की तारीकी के अंदर उसके ऊपर ज्यादा शक किया जा रहा था। और दूसरा शक एक और बंदे पे किया जा रहा होता है। अच्छा, उसके बारे में क्या होता है कि वो थोड़ा सा करेक्टर वाइज सही नहीं होता, तो ये कहते हैं कि वो साइकोपैथ है, तो ये एक बड़ा मसला होता है। अच्छा, ये आज तक केस सॉल्व नहीं हुआ। अच्छा, मजीद इस तरह के भी होते हैं, कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो इस तरह के जो है ना वो अटैक्स करते हैं। अगर हम बात करेंगे शायद हमने दहशत फैलाने के लिए, जिस तरीके से जी खौफ दहशत फैलाने के लिए, अपनी पहचान बनाने के लिए, मैं बताऊं हमारे इलाके के अंदर, यहाँ शहर कराची के अंदर जो है वो एक ऐसा ग्रुप आया था जो ब्लैक कैप्स पहनकर जो है वो हमले करता था। जी ब्लैक कलर की कैप पहने होते थे, पूरी टीम ने कैप पहने होते थे और वो जो है इस तरीके से डकैतियां करता था। तो मुख्तलिफ ग्रुप्स होते हैं जो इस तरह करते हैं, इनसे आगाही हम सब की जरूरत भी है आज के माशरे में, और हम सबको आगाही भी होनी चाहिए ताकि हम ना इस तरह के ग्रुप्स का हिस्सा बने और ना इनको सपोर्ट करें और इनसे मोहताज। जी हाँ भाई, ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है ये कि इस तरीके के ग्रुप से बचा जाए। और मतलब अगर आप इस तरीके की कोई चीज अगर अपने अड़ोस पड़ोस में देखते हैं, आपका कोई दोस्त है, आपका कोई जानने वाला है जो इस तरीके की जो है वो किसी चीज में पड़ गया, क्योंकि देखिए इंसान है गाइस, इंसान को गुमराह होने में टाइम नहीं लगता, इंसान जो है वो एक मिनट की चीज में भी जो है वो बहक सकता है। तो अगर आपका भी कोई ऐसा बंदा जो आपका जानने वाला है, क्योंकि ऐसे वाकयात हुए हैं पहले भी कि मतलब मेरा एक दोस्त है जो जाने वाला है और मतलब वो गलत कामों में पड़ गया, लेकिन मैंने सिर्फ इसलिए जो है वो उसकी पर्दापोशी करता रहा कि वो मेरा दोस्त है। तो अगर आपका कोई ऐसा जानने वाला अगर हो कि जो इस तरीके की चीज़ों में पड़ गया हो, तो प्लीज़ उसको कानून के हवाले करें, उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन दें और जो है वो कानून नाफिज करने वाले इदारों को इस बारे में इन्फॉर्म करें, लेकिन ये करें कि इसकी तस्दीक ज़रूर कर लें पहले कि ये शख्स वाकई ऐसी जगहों पर आ रहा जा रहा है या कोई इसके इस तरीके के कोई ताल्लुकात हैं, इसकी तस्दीक करें और उसके बाद इन्फॉर्म करें। क्योंकि एक बहुत बड़ा वाकया होने से पहले अगर आपकी इंफॉर्मेशन से अगर वो शख्स कोई बड़ा वाकया करने से रह जाता है, तो ये यकीनन जो है वो हमारे मुल्क के हालात को बेहतर करने के लिए जो है वो काम आ सकता है। क्या कहते हैं आप तला भाई इस हवाले से? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात की आपने और बहुत बेहतरीन बात की। अच्छा, मुझे लगता है कि बहुत सारे डिस्कशन हमारी अपनी हो चुकी है, अब हम चलते हैं एक ट्रैक की जानिब, ट्रैक से वापस आते हैं और अपने नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब बढ़ेंगे। और साथ साथ हम चाहेंगे कि हमारे लिसनर्स हमें बताएं कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी और मजीद जो है वो हमारे पास बहुत सारे केसेस मौजूद हैं। अच्छा, मैं साथ साथ ये भी बताते चलूँ कि सिर्फ ये ऐसा ही नहीं है कि हमारे पास इसी तरह के क्राइम जो है वो केसेस हैं जिसमें कत्ल हो रहा है और जिसमें जो है वो इतनी बेदर्दी से जो है कुछ क्राइम किया जा रहा है, हमारे पास बहुत सारी ऐसे भी केसेस हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं और उनको सुनकर आप बोलेंगे कि वाओ ये ऐसा भी होता दुनिया के अंदर। तो आप लोगों ने जाना कहीं नहीं है, सुनते रहें, हमें अपनी राय से आगाह करते रहें। हम मिलते हैं आपसे इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक लिसनर्स, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप सुन रहे हैं शो तलाश। मेरे साथ मौजूद हैं आरजे आकाश और मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरजे मोहम्मद अला। आप बहुत ही इंटरेस्टिंग शो सुन रहे हैं और हम एक केस को डिस्कस कर रहे थे। आज हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे एक क्राइम केस के ऊपर, रीपर नाम का एक कातिल जिसके बारे में सिर्फ पुलिस को नाम मालूम है और वो इतनी सफाकी से जो है वो कत्ल करता है, खौफ और हैरास फैलाता है
80s का ये केस जो आज तक हल नहीं हो सका है। हमारे माशरे में ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो आज तक हल नहीं हो पाए, बहुत सारी ऐसी स्टोरीज हैं जिनके बारे में आज भी इंसान ने सोचता है कि ये कैसे मुमकिन है। उसके बारे में हम अपने शो में बात करेंगे, लेकिन आज हम अपने शो को मजीद आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि आप हमारे शो में शामिल हो सकते हैं, अपनी राय से हमें आगाह कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0330862072। इसके अलावा फेसबुक पर आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमारा फेसबुक पेज है नई सुबह इंस्टीट्यूट। जाएं, विजिट करें, कमेंट करें और बताएं नई सुबह की खिदमत आपको कैसी लग रही हैं। मैं चाहूँगा आकाश, अब आप हमारे साथ अपनी पहली शेयर करें, और मैं इस सेगमेंट के लिए बड़ा ही एक्साइटमेंट फील करता हूँ क्योंकि मुझे बड़ा शौक है कुछ ऐसी चीज़ें जानने का, ऐसी हिडन चीज़ें जानने का जो ढूंढने में ना काफ़ी दिक्कत होती है और दिमाग यूज़ करना पड़ता है बड़े इस तरह की चीज़ें। तो आप हमारे साथ आज क्या लेकर आए? जी तो तला भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू। और मैं आज जो है वो, क्योंकि हम लोग इस सेगमेंट में एक पहेली जो है वो आपसे पूछेंगे, और पहेली के हवाले से थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहूँगा कि इसमें ये चीज़ है कि ये जो है वो एक ऐसी चीज़ के जो मखसूस अल्फाज में जो है वो बोली जाए और उसके बाद जो है वो उसका जवाब तलाश किया जाए, यानी एक तरीके का सवाल ही, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से, यानी ऐसे तरीके से कि मतलब ये कोई फैक्ट, कोई नॉलेज वो इस तरह से नहीं है कि कोई आपको उसके जानने के लिए कोई पढ़ना पड़े, या आपका अगर आईक्यू अच्छा है तो आप इसको कर सकते हैं, और ये आईक्यू अच्छा करने के लिए भी गाइस आपके लिए हेल्पफुल जो है वो हो सकती है। तो मैं जो आज आपकी जो पहेली लेकर आया हूँ वो है, वो कौन सी चीज़ है गाइस जो जितनी लंबी होती है उतनी ही छोटी भी होती चली जाती है। अब जितनी भी चीज़ें आप देख रहे होंगे वो आप अगर उनको मतलब थोड़ा सा खींचते हैं, कुछ चीज़ें जो टूट जाती हैं बीच में से, कुछ चीज़ें जो है वो मतलब, या अगर लंबी होती जाएंगी तो फिर वो लंबी ही होती जाएंगी, मतलब उनका साइज़ तो बड़ा ही होता जाएगा, छोटी कैसे हो सकती हैं? तो इसके ऊपर मैं जो आपसे पूछूँगा, तो तला भाई सबसे पहले तो आप ही से पूछेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है और मैं सोच रहा हूँ इसको कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो जितनी लंबी होती जाती है उतनी छोटी होती जाती है। अच्छा, मेरी निगाहों के अंदर ना बस एक ऐसा निगाहें होती है ना, सफ़र करती हैं, वो दूर तक जाती रहती हैं जाती रहती हैं। तो आपके बिल्कुल नाम की तरह से आपने पहले शो में जो है वो सवाल रखा है, जो मतलब जिसकी कोई लिमिट नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या है कि ऐसी चीज़ जो जितनी लंबी होती जाती है उतनी छोटी होती जाती है। तो मेरे ख्याल से मैं अपने लिसनर्स को जो है मौका देना चाहूँगा, और आज पहला शो है हमारा, आकाश ने पहले शो के अंदर ही ऐसी वो आईक्यू लेवल की पहली लेकर आए हैं। यकीनन हम इस बारे में सोचेंगे। और आकाश, लेकिन एक बैड न्यूज़ साथ में, बैड न्यूज़ ये कि हमारे शो का टाइम जो है वो ख़त्म होता जा रहा है और हमें अपने अपने लिसनर से जो है इजाज़त लेनी पड़ेगी। तो मेरे ख्याल से इसका आंसर हम अपने अगले शो के अंदर जो है वो अपने लिसनर्स के साथ शेयर करेंगे। तब तक हम देखेंगे हमारे लिसनर्स हमें कमेंट करके जो है इस पहले का क्या आंसर देते हैं, और वो कमेंट हम अपने शो में शामिल करेंगे। मैसेज कीजिए और जो है वो इसको, इस पहेली को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। हम भी देखें कि आप में से कितने लोग हैं जिनका आईक्यू बहुत अच्छा है, और कितने लोग ऐसे हैं कि जो अपने दिमाग का इस्तेमाल कसरत से कर रहे हैं। अभी तला भाई ने तो बॉल जो है वो आपके कोर्ट में डाल दी है, अगर कहा जाए तो। तो गाइस, इस पहेली को सॉल्व करें और अगले शो तक के लिए जो है वो इसको हम रिजर्व कर रहे हैं, अगले शो में इसका आंसर देंगे। तो हमारे शो का टाइमिंग भी इसी हिसाब से जो है वो एंड हो रही है। उम्मीद है कि आपने आज का शो एंजॉय किया होगा, आपको अच्छा लगा होगा और स्टोरी आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी। सो हमें दीजिएगा इजाज़त, मिलते हैं अगले शो में, अल्लाह हाफिज़। जी तो लिसनर्स, यकीनन पहला शो तलाश आपको सुन के मज़ा आया होगा। आपके फीडबैक हमें इस बारे में बताएंगे कि आपको कैसा लगा आरजे आकाश और आरजे तलहा के साथ शो तलाश, और आपके फीडबैक हमें बता रहे होंगे। आज का हमारा वक्त बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट शो में मुलाकात होगी, इसी टाइम इसी वक्त इसी जगह, और आप लोगों की महफिल होगी और हम इस महफिल में आपके साथ आपका साथ देंगे पूरा एक घंटा 8 से 9 बजे तक हर बुध के दिन। तो इंतज़ार कीजिएगा और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।